हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक साइंस में फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको थ्योरी बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए, उसके फॉर्मूलेस ज्ञात मालूम होने चाहिए, उसमें हम चिन्ह कैसे लेते हैं ये पता होना चाहिए। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप उस थ्योरी को पढ़ें जो कि हमने पिछले वीडियो में दर्पण लेंस सबकी थ्योरी हमने इसमें डाली है, तो उस थ्योरी को आप पहले बहुत ध्यान से पढ़ लें। और यदि आपने थ्योरी पढ़ ली है तो न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में ये सभी क्वेश्चन हैं, तो आपके सिलेबस के क्वेश्चन हैं ये, और आपकी सुविधा के लिए इन क्वेश्चनों को हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। आप इस क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चन हैं आपकी जो सबसे लास्ट में एक्सरसाइज होती है उनके ये क्वेश्चन हैं, तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद सॉल्व करें, स्वयं सॉल्व करके देखें हो रहे नहीं हो रहे, और हो जाते हैं तो फिर आंसर चेक करें, और नहीं होते तो ये देखिए क्यों नहीं हो रहे हमारे, फिर सॉल्यूशन को देखिए आप। तो देखिए शुरू करते हैं फिर। पांच इसमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, और देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है इसमें कि लाइट के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। चिन्ह के साथ, चिन्ह लेने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले मैंने कई वीडियोस पे चिन्ह के लिए भी डाली है, एक स्पेशली मैंने चिन्ह लेने के तरीके बताने के लिए डाली थी, तो उसको भी आप पढ़ लें यदि नहीं पढ़ा आपने तो जो जो मान दे रखे हैं उनको लिखना है चिन्ह के साथ, क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई को हम ओ से, ओ बराबर प्लस के 5 सेंटीमीटर, फिर क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का अर्थ है उत्तल लेंस, फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी को एफ से, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ली जाती है तो प्लस के 10 सेंटीमीटर, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वस्तु की दूरी को u से, u इक्वल टू माइनस के 25 सेंटीमीटर, प्रकाश किरण आ रहे खींच के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v निकालना है हमें, साइज प्रतिबिंब की का साइज यानी i निकालना है, और प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है वास्तविक है कि आभासी है। तब देखिए सबसे पहले 1/v, चूंकि लेंस है लेंस के लिए 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस u की वैल्यू -25, तो u की वैल्यू -25, f 10, 1/v 1/10, माइनस माइनस प्लस जाकर माइनस, 1/25, 25, 50, 10 × 50, 25 × 50, 5 × 2 = 3/50, और v इक्वल टू 50/3। यदि हम इसका पॉइंट में निकाल दें तो यह आ जाएगा 16.48 और फिर 6-7 सेंटीमीटर। ये तो आ गया v का मान, आपने कहा i, आपको मालूम है i/o बराबर v/u, तो i/o की वैल्यू कितनी है प्लस के 5, वी की वैल्यू अभी निकाली हमने 50/3, तो 50/3, और यू की वैल्यू है -25, 25 × 50, आई बराबर 5 × 10, माइनस के 10/3, माइनस का 3.33 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है अर्थात प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब यहां पर आपने प्रतिबिंब की स्थिति आ गई, साइज आ गई, और प्रकृति भी आपको पता चल गई वास्तविक है। यहां पर आपने ये कहा इसमें क्वेश्चन में कि प्रकाश किरण आ रही खींचकर, तो किरण आ रही खींचना है, हम उत्तल लेंस लें, एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, यहां एफ रख लें, फोकस कैपिटल एफ, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पर वस्तु रखें, ये
फोकस इधर, फिर प्रतिबिंब की दूरी है 16.67, इसका अर्थ क्या है, फोकस दूरी तो 10 सेंटीमीटर है, कुछ यहाँ पर बनना होगा प्रतिबिंब। एक किरण आप समांतर लें, समांतर किरण फोकस से, एक किरण प्रकाशिकेंद्र से, ये दोनों दूरियाँ मिल रही हैं, किरणें काट रही हैं, और इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, ये होगा वस्तु का प्रतिबिंब। ये वस्तु की लंबाई ए बी, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। आप यदि मान रखना चाहें कि वस्तु की दूरी दिखानी है 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 16.67 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई हमें प्रदर्शित करनी है 25 सेंटीमीटर, 25 नहीं 5 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई है 3.33 सेंटीमीटर। इस तरह ये इसका किरणारेख बनाया जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, यहां अवतल लेंस है 15 सेंटीमीटर, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में, तो फोकस दूरी एफ बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी में बनाता है, अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, देखिएगा यह अवतल लेंस है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी है v 10 सेंटीमीटर, और आपको ध्यान होना चाहिए कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर बनता है, तो v भी हम माइनस में ही लेंगे। बिंब लेंस से कितनी दूर है u पूछ रहे हो आप, वस्तु की दूरी, किरणारेख खींचिए, किरणारेख तो बाद में खींचेंगे, पहले तो हम वस्तु की दूरी निकालेंगे, बिंब की दूरी, फॉर्मूला वही 1/v - 1/u = 1/f, v माइनस 10, u f माइनस 15, माइनस 1/u - 1/15, माइनस 1/10 उतर गया, प्लस का 1/10, माइनस 1/u, एलसीएम 30, 10 × 30, 1/30, यदि मैं उल्टा कर दूंगा तो u बराबर आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो बिंब लेंस से कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर है। अब किरणारेख खींचना है, यहां पर हमने अवतल लेंस बनाया, अवतल लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, फोकस 15 सेंटीमीटर, वस्तु रखे 30 पर, यहां पर ये फोकस एक यहाँ एक यहाँ, एक किरण लेंगे हम समांतर, समांतर किरण हमें फोकस से आती हुई प्रतीत तो होगी, परावर्तित होगी, तो एक किरण लें, एक किरण समांतर किरण फोकस से आती हुई प्रतीत तो होगी, और एक किरण को यदि लिया जाए यहाँ पर आप फोकस की ओर, देखिए ये परावर्तित होती है दर्पण में, ये है लेंस, ये थोड़ा सा डायग्राम देखिए गलत हो गया था, ये समांतर किरण यहां इस तरह से ये अपवर्तित होगी और ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और दूसरी किरण प्रकाश से किन से जाएगी, ये दोनों अपवर्तित किरण पीछे की ओर बढ़ाने पर ये यहां पर काटेंगी, यहां से इस मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ये होगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये है इसका किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हम प्लस में लेते हैं, प्लस के 15 सेंटीमीटर। किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो u वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाएगी, तो वस्तु की दूरी हो गई माइनस के 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v निकालना है, और प्रकृति का अर्थ है कि वास्तविक है कि आभासी है। देखिए दर्पण है,
आपको मालूम है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं वो आभासी होते हैं, दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक होते हैं। यदि आप चिन्ह से देखेंगे तो जो यदि वी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा इसका अर्थ है कि दर्पण के पीछे बनना है, तब तो वो आभासी होगा। यदि वी नेगेटिव आ रहा है यानी दर्पण के आगे आ रहा है तो हम कहेंगे वो वास्तविक होगा, तो हम चिन्ह से बता देंगे कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा। वैसे भी आप देखें, आप मत देखें, आप कोई देख लें, उत्तल दर्पण दिया हुआ है, आप ये ले सकते हैं चूंकि उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, उत्तल दर्पण से कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, अर्थ क्या है कि हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो यहां से मैं हम जो वी की वैल्यू निकालेंगे वो पॉजिटिव आनी चाहिए, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी हो आभासी प्रतिबिंब बनना है, और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे, दर्पण और फोकस के बीच में, फोकस दूरी इसकी 15 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो 15 से कम दूरी पर ही बनेगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको याद होंगी तो आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। आपको पता, यदि कहीं गलती भी होगी तो हम उस गलती को भी पकड़ लेते हैं, गलती कहाँ हुई है। अब देखिए यहाँ पर आप प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहे हैं, दर्पण है, दर्पण में फॉर्मूला होता है 1/V + 1/U = 1/F, ध्यान रखिएगा। लेंस में होता है यहां पर बीच में माइनस और दर्पण में प्लस, 1/V + यू की वैल्यू -10 एफ 15, 1/V = 1/15 प्लस माइनस माइनस इधर जाकर प्लस 1/10, 1/V एलसीएम 30, 15 × 30 10 × 30 5/30 1/6 V = 6 cm। देखिए इसमें प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूरी पर आ रहा है और प्लस में आ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि दर्पण के पीछे बनना है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और उसकी प्रकृति आभासी होगी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो यहां देखा 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब है, यानी वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो इसको जो जो दे रखा है उसको लिखते हैं। वस्तु की लंबाई O = + K 5 सेंटीमीटर, जब पेपर में लिखे तो आपको पूरा लिखा जाता है बिंब की लंबाई O = + 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर क्योंकि उत्तल दर्पण की त्रिज्या प्लस में ली जाती है। जब त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होगी, तो 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर होगी। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है U = -K 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति वी, प्रकृति अर्थात आभासीय की वास्तविक है और साइज आई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर फिर वही फॉर्मूला आएंगे, अब दर्पण है, दर्पण के लिए 1/V + 1/U = 1/F, 1/V U की वैल्यू -20, 1/F 15, 1/V 1/15 प्लस माइनस माइनस इधर जाकर प्लस 1/20, 1/V एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आएगा 60, 15 × 60 और 20 × 60 4×3 7/60 V = 60/7 7×56 4×35 लगभग 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, तो 8.57 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति तो हम कह देंगे आभासी होगी, प्रतिबिंब आभासी होगा, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। और वैसे आप देख लें कि V पॉजिटिव आ रहा है,
वी पॉजिटिव आ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना है, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना है तो दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी ही होते हैं। और साइज, प्रतिबिंब का साइज आई अपॉन ओ बराबर, चूंकि ये दर्पण है तो दर्पण में माइनस वी अपॉन यू, आई अपॉन ओ, ओ का मान 5, माइनस वी की वैल्यू 60/7 और यू माइनस बीस, 20 × 60, आई बराबर 5 × 15, 15/7 और माइनस का 7 × 7, 7 × 14, 1 बचेगा, 7 × 7, 7 × 4 = 28, तो प्रतिबिंब का साइज होगा 2.1 मीटर। एक मिनट, यहाँ पर ये गलती, ये माइनस से ये माइनस कट गया तो प्लस आएगा। अब देखिए ये गलती तुरंत पकड़ ली हमने, क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां पर माइनस आया, माइनस ये प्रदर्शित कर रहा था कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, और जबकि हमें मालूम है कि उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, और जब सीधे होते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई प्लस में आनी चाहिए। तो जैसे यदि गलती से माइनस भी हो गया है तो आप पकड़ सकते हैं कि हम कहां गलती हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसने दे रखा है 7 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें क्वेश्चन आपको लंबा लग रहा होगा, तो क्वेश्चन आप लंबा से कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये देखें मैंने पहले भी कहा है कि क्या क्या दे रखा है, बस इसको देखिए शॉर्ट में कैसे मैं लिख देता हूँ। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, बिंब मतलब है वस्तु, वस्तु लंबाई ओ प्लस के 7, फिर क्या दे रखा है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, फोकस दूरी इसके 18 है एफ, चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम माइनस मिलेंगे, तो माइनस का 18 सेंटीमीटर होगा, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो वस्तु की दूरी हो गई 27, u बराबर माइनस का 27। ये सभी मान याद रखिएगा चिन्ह के साथ ही रखने हैं, और जो आंसर निकल के आता है वो भी चिन्ह के साथ ही आएगा। तो 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। अरे वस्तु को, सॉरी, पर्दे को कितनी दूर रखें, अरे प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनना है उतनी दूरी पर पर्दे को रख दें, तो बस प्रतिबिंब की दूरी निकाल दें। देखिए बस भी निकालना है, जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा उतनी ही दूरी पर आपको पर्दा रखना है, बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। तो वी पहले निकालिए, तो 1/v चूंकि दर्पण है, 1/u बराबर 1/f, तो 1/v प्लस u की वैल्यू -27, -27, 1/f, f माइनस का 18, -1/27 इधर गया, 1/v -1/18 प्लस माइनस माइनस इधर जाकर प्लस 1/27, LCM इसका 54, 18 × 54 प्लस 27 × 54 माइनस का 1/54 और वी आ गया आपका माइनस का 54 सेंटीमीटर। देखिए वी आ रहा है 54 सेंटीमीटर, माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, और आपको मालूम है वास्तविक प्रतिबिंब ही केवल पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु का पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यह आ गया पर्दे की दूरी 54 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का साइज आई, आई अपॉन ओ बराबर, चूंकि ये दर्पण है तो माइनस का वी अपॉन यू, आई वस्तु की लंबाई 7, माइनस वी की वैल्यू -54 और यू की वैल्यू है -27, -27, -27 × 54 और आई बराबर 7 × 14 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का साइज है 14 सेंटीमीटर, माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि उल्टा है अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब है ये, और प्रकृति हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, तो इसकी प्रकृति है वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए
जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, P बराबर माइनस के 2.0 डायोप्टर है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, आपको मालूम है P बराबर 1/F, सही है, जबकि फोकस दूरी किस में निकलती है, मीटर में, तो P बराबर माइनस के 2 बराबर 1/F, F बराबर माइनस का 1/2 अर्थात माइनस का 0.5 मीटर, तो लेंस की फोकस दूरी हो गई 0.5 मीटर, और चूंकि फोकस दूरी माइनस में है इसलिए ये लेंस अवतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि इसमें दे रखा है कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, अर्थात उस लेंस की क्षमता हो गई प्लस के 1.5 डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो अभी हमने कहा था P बराबर 1/F ले लें या 100/F ले लें, 1/F लेंगे तो फोकस दूरी मीटर में होती है, 100/F लेंगे तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकलेगी, P कितना है 1.5, 100/F सेंटीमीटर में, तो F कितनी आएगी 100/1.5, 0.0 यदि हम 5 से कर दें तो 200/3 5 से सही है, और 3 से डिवाइड कर दें तो 66.67 सेंटीमीटर आएगी, तो इस लेंस की फोकस दूरी 66.67 सेंटीमीटर होगी। अब चूंकि लेंस की फोकस दूरी प्लस में आ रही है तो प्लस में आ रही है इसका अर्थ क्या है, यह क्षमता भी आपको प्लस में दी हुई है, इसका अर्थ यह है कि ये लेंस अभिसारी है। तो इस तरह ये आपके बुक में जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व हुए हैं, और आपके जो भी मित्र हों या जो भी आपके फ्रेंड हों उनको भी आप बताएं कि वो भी जिनको जानकारी ना हो कि इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन जो थ्योरी है वो भी पढ़ें, उनका भी फायदा हो, और फिर अगले वीडियो में फिर हम नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं।